मैं अभी पहाड़ पे ही हूँ एक्चुअली, तो नीचे जाने में लग जाएगा आधा एक घंटा तो लग ही जाएगा। यहाँ से ऐसा लग रहा है कि पीछे से कोई धकेल रहा है। ये मंदिर है क्या है? मुझे लग रहा है चाइना का कुछ इधर है। यहाँ से पूरा मतलब बंद ही बंद है। यहाँ से एक रास्ता है जाने को यहाँ से, तो बट मैं यहाँ से उतर नहीं सकता, ऊंचाई पे है। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो मैं हूँ अभी पहाड़ों पे और इसके ऊपर एक मंदिर है, शंभूनाथ ऐसे ही नाम है तो उनका मंदिर है। तो वहाँ भी मैं विजिट किया हूँ इससे पिछले वाले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, उस वीडियो में पूरा दिखाया हूँ। तो अभी मैं जंगल में हूँ, मतलब मैं नीचे जा रहा हूँ क्योंकि मंदिर ऊपर में है और मैं नीचे जा रहा हूँ, तो नीचे पूरा जंगल ही जंगल है। रास्ता भी बना हुआ है तो मैं रास्ते से नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा इधर कट होके ऐसे सिंगल है रूट है, तो मैं इधर से जा रहा हूँ नीचे। और यहाँ पे आप मैं दिखाना चाहूँगा, पूरा जंगल जंगल है। और यहाँ पे इस जंगल में ना इतना बंदर है, मुझे डर इसी से लग रहा है, काटने वाटने का, बाकी डर किसी चीज़ से नहीं लग रहा है। और यहाँ से मैं बैकग्राउंड दिखाना चाहूँ तो देख सकते हो पीछे में वो पहाड़ हैं, दिख रहा होगा, और पहाड़ों के बीच में घर है। यहाँ से क्लियर नहीं दिख रहा होगा, काफ़ी दूर है और मैं अभी पहाड़ पे ही हूँ एक्चुअली, तो नीचे जाने में लग जाएगा आधा एक घंटा तो लग ही जाएगा। तो हम नीचे जाएंगे, अभी इधर राउंड ऑफ होके जा रहे हैं घूम घूम के। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे है नेपाल काठमांडू का ये सीन है। यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा कुछ घर वगैरह, और मैं अभी पहाड़ों पे हूँ। तो मैं अभी एक काम करता हूँ, मैं नीचे जाता हूँ, नीचे जाने भी वैसे टाइम लग जाएगा बट मैं इधर से जाऊँगा, इधर से ऊपर है, बहुत ऊपर है। यहाँ से मैं तो गिरने वाला था, बच गया। देख लो कैसा रूट है ये, देख लो, मैं आगे से दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह का रास्ता है, रास्ता ये नहीं है, लीक है थोड़ा बहुत। और यहाँ पे नीचे देखो कितना नीचे है, आराम से जाना पड़ेगा नीचे, नहीं तो मैं थोड़ा पैर आगे करता हूँ और ऐसा लग रहा है कि पीछे से कोई धकेल रहा है। तो मैं इधर से जाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो ऊपर, मैं अभी ऊपर से आया और अभी नीचे जाना है तो जा रहा हूँ, धीरे धीरे जा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है शायद, यहाँ पे देख लो बंदर सब। एक और भी उधर है, बहुत सारे इधर। तो मैं इधर से जाता हूँ घूम के, सीधा अगर जाऊँगा तो ऐसे लग रहा है कि पीछे से कोई धक्का मार रहा है, तो थोड़ा घूम घूम के जाऊँगा तो आराम से उतर जाऊँगा।
तो अभी हम नीचे थोड़ा आ गए हैं, यहाँ से भी नीचे जाना है। और यहाँ पे ये क्या है, बाथरूम वगैरह है, तो हम यहाँ पे जाते हैं फिलहाल, देखते हैं कि ये मंदिर है क्या है। मुझे लग रहा है चाइना का कुछ इधर है, चाइनीज लोग लग रहे थे मुझे यहाँ पे। तो देखते हैं, यहाँ पे एक भाई साहब यहाँ पे पेंट कर रहे हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ। हाँ, ये है तो मंदिर ही है, ये मंदिर ही है, गौतम बुद्ध के मंदिर। और पेंट कर रहे हैं यहाँ पे। ये गोल चक्कर महादेव का मंदिर हो सकता है, मुझे नहीं पता। इधर क्या है मुझे, मैं थोड़ा जाके देखता हूँ। भिक्षु आवास, संघावास, मित्र अनुमति बिना प्रवेश गण शख्स। ओके ओके, तो यहाँ गुरु जी सब हैं, यहीं पे रहते हैं। तो मैं यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ इधर से। ये अभी लॉक हो गया है, ये लॉक है, मुझे उधर से जाना पड़ेगा शायद घूम के। ये चारों साइड से कैंपस लॉक है, और यहाँ पे भिक्षु गुरुजी सब रहते हैं। गौतम बुद्ध के मंदिर है ये। तो मैं उधर से वापस आ गया, क्योंकि उधर से रास्ता बंद था, तो इधर से मैं जा सकता हूँ नीचे। एक सीढ़ियाँ भी है इधर से, तो यहाँ पे एक रोड है, वहाँ पे ये जो है ना कैंपस, ये भिक्षुओं का कैंपस है, और नेपाली चाइनीज लोग मुझे लग रहे थे। ये मेरे तरफ घूर के देख रहा है बंदर। ये रहा वो काठमांडू शहर बोल सकते हो आप। ये पहाड़ों के बीच में है, और चारों साइड से पहाड़ी पहाड़ है चारों साइड। और मैं भी ऊपर में ही हूँ अभी फिलहाल, तो चलते चलते मैं यहाँ पे आ गया हूँ। और यहाँ से आप नज़ारा देख लो, अभी भी काफ़ी ऊंचा पे हूँ पहाड़ों पे। एक मंदिर है, तो इससे भी ऊपर मंदिर है जो मैं गया था, तो पिछले वाले वीडियो में मैंने पूरा उसमें दिखाया था। तो यहाँ से देख लो पूरा यहाँ का व्यू। ये पूरा जो है वो काठमांडू, ये समझ सकते हो पूरा काठमांडू, और पूरा पहाड़ी पहाड़ है आगे देख। और इधर से जाने का रास्ता मुझे वो घूम के फिर जाना पड़ेगा, यहाँ से पूरा मतलब बंद ही बंद है। मैं जाने का कोशिश कर रहा हूँ, इधर घूमते हैं देखते हैं इधर क्या है। ये बंदर मेरे ऊपर घूर रहा था, इसको लग रहा था मैं इसको मारूंगा। ये सीढ़ी है इसके अंदर, ओ कुछ नहीं है, मुझे लगा पानी वानी होगा, गहराई होगा, तो ये डर रहा है बंदर। यहाँ से एक रास्ता है जाने को यहाँ से, तो बट मैं यहाँ से उतर नहीं सकता, ऊंचाई पे है। और इधर से मैं जाऊँगा काफ़ी ऊंचाई पे है, यहाँ यहाँ तक मैं अगर पहुँच गया तो मैं चला जाऊँगा।
इधर उतरने में प्रॉब्लम होगा, तो मुझे घूम के जाना पड़ेगा। इधर पूरा लॉक है, वहाँ पे है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।